हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सर्कल पजल टेस्ट। इट्स वीडियो नंबर 6। तो ये वीडियो नंबर आपकी 6 है बच्चों। अब यहाँ पे ये लास्ट टाइप बचा है बच्चों, जो डिपेंड करता है वर्किंग के ऊपर। तो सर्कल टाइप में वर्किंग का कंसेप्ट जो रह गया था, ये उसके ऊपर वीडियो। इससे पहले मैं सिंपल सर्कल आपको करा चुका हूँ टाइप। नेक्स्ट टाइप मैंने आपको जो है कराया था फेसिस के ऊपर, फेसिस इनसाइड एंड आउटसाइड। नेक्स्ट टाइप मैंने आपको कराया था एंगल्स के बेसिस पे, एंगल्स के बेसिस पे। तो ये लास्ट वन जो है टाइप बचता है बच्चों यहाँ पे वर्किंग के बेसिस पे। तो लेट्स सी कि वो वर्किंग किस वे से यहाँ पे मैटर करती है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 1, 2, 3। हमने यहाँ से देखना है, ये डायरेक्शन आप लोगों को गिवन है। तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे ध्यान जाता है सर्कुलर टेबल, दैट मीन्स कि सर्कल का क्वेश्चन है। 1 to A to H गया, दैट मीन्स कि 8 तक गया है। तो इतना आपको दिखते ही आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेना है 8 लाइंस के साथ एक बेसिक सर्कल। अब बच्चों यहाँ पे जब भी वर्किंग की बात होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने जो ABCD आप लोग लिखो है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी या जो भी है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, ABCDs लिखनी है। बाहर उनकी वर्किंग लिखनी है, लाइक ही इज ए टीचर, तो आप टीचर यहाँ पे लिखोगे। इस वजह से आपने बाहर की तरफ जो है लिखने हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स ड्रॉ इट अगेन। तो वी हैव दिस इज़ द थिंग। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है इन बातों का जो मैंने आपको पहले बताई हैं। तो 8 आपकी बन चुकी हैं, अंदर ABCD, बाहर की तरफ आप लोगों की जो है पॉइंट्स। अब चलो भाई आगे की तरफ मूव करते हैं। ये जो है बिजनेसमैन एंड ऑल, जो भी सब चीज़ें आप लोगों को गिवन है कि उनकी वर्किंग क्या क्या है, ये पढ़ने की लोड नहीं होती। यहाँ से आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। टीचर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए यहाँ पे कोई है, उसके थर्ड लेफ्ट में जो है टीचर है, तो मैं उसको टीचर लिख लेता हूँ। चलो जी, ये लाइन मेरी कंप्लीट हो पाई। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड टीचर। बी एंड टीचर के बीच में एक ही बंदा है, तो ये लो जी कैंडिडेट कंप्लीट हो पाया ये भी। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में थर्ड पे यहाँ पे आपका कौन है, आर्किटेक्ट। तो ये मैंने आर्किटेक्ट फिक्स कर लिया यहाँ पे। चलो जी, ये लाइन भी कंप्लीट हो पाई। एच सिट बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। तो एच जो है बच्चों आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर के जो है मिड में बैठा है। अब ये दो वे बन सकते हैं, ये इंजीनियर हो, ये एच हो, और ये आर्किटेक्ट हो। दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन आपके पेपर में यूज होगी। अभी मुझे डिसाइड नहीं है कौन सी होगी, तो मैंने दोनों लिख ली हैं। चलो पहले इसको डिसाइड करते हैं, मैं इसको बिठाने की ट्राई करता हूँ। तो बी को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी बी को बच्चों याद रखना आपने अंदर की तरफ लिखना है, तो मैं अंदर की तरफ ही लिखता हूँ। ये मेरा बी हुआ, एक ब्लैंक छोड़ दिया। फिर आपका टीचर आता है, ये वाला टीचर हुआ। नेक्स्ट फिर आता है आपका आर्किटेक्ट, ये बच्चों आपके पास आर्किटेक्ट हुआ। नेक्स्ट एक ब्लैंक छोड़ के आता है आपका ए, तो मैंने यहाँ पे ए को फिक्स कर लिया। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बच्चों अब आते हैं इस वाले स्टेटमेंट पे। अब थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है टीचर की मेंटल सेंस को समझना है। टीचर क्या करता है, इन क्वेश्चंस को देख के आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है पेपर में। वो किस वे से होगा बच्चों, जिस भी सीक्वेंस में ये गिवन है उससे जस्ट आपने अपोजिट पिक करना है। यानी आपने देखो, ट्राई तो हमें दोनों को देना पड़ेगा। अगर मैं एक को बाई चांस ट्राई देता हूँ, मेरा आंसर नहीं फिट होता, तो दूसरे को तो देना ही पड़ेगा मुझे ट्राई। बट फर्स्ट किसको ट्रायल बेसिस पे लें, दोनों में से किसको पहले पिक करें, तो आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे सीक्वेंस गिवन है उससे जस्ट अपोजिट को पिक करना है। जैसे आर्किटेक्ट इंजीनियर है, तो आप पिक क्या करोगे, इंजीनियर आर्किटेक्ट। तो आपने ट्राई पहले इस चीज को देनी है, ठीक है। बहुत 99% चांसेस रहते हैं कि ऑलवेज टीचर उल्टा डालेगा, सो दैट कि आपका वहां पे काफी सारा टाइम वेस्ट हो। चलो मैं डाल के देख लेता हूँ। तो ये बना बच्चों मेरा इंजीनियर, ये रहेगा मेरा एच, और ये रहा मेरा आर्किटेक्ट। कोई मुसीबत मुझे आई नहीं अभी तक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, ये लाइन डन। ई इज नॉट नेबर ऑफ एच, दैट मीन्स कि बच्चों हमसे ये कह रहा है कि ई का पड़ोसी एच नहीं होगा, या फिर एच ई नहीं होगा, दोनों में से कोई भी चीज़ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो जी, ये भी ध्यान रख लेंगे हम। इंजीनियर अभी कोई देखो लिंक मुझे कहीं पे मिल नहीं रहा, तो मैं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ। इंजीनियर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क।
कलरक के थर्ड राइट में, दैट मीन्स कि बच्चों कलरक कहाँ पे होगा, यहाँ पे कलरक रहेगा और ये रहता है लेफ्ट, ये रहता है राइट, उसके थर्ड राइट में इंजीनियर है। तो ठीक है, ये लाइन भी डन हुई। नेक्स्ट, डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, दैट मीन्स कि जी यहाँ पे उसके सेकेंड लेफ्ट में मेरा डी है, ये वाली सिचुएशन फिट हो पाए। ठीक है, अभी देखो मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ, बट मुझे कोई भी आइडिया नहीं है उसको कहाँ पे फिट करूँ, तो अभी उसको ट्राई भी नहीं करना है। कोई ना कोई हिंट गिवन होगा, बस उस हिंट का आपने वेट करना है। लेट्स सी, आगे बढ़ते, बस बना लिया है मैंने। जी इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, टीचर का नेबर जो है जी नहीं है, यही हिंट था जिसका मैंने वेट करने को बोला था। तो देखो कहाँ पे जी नहीं आ सकता बच्चों, देखो यहाँ पे जी नहीं आएगा, यहाँ पे जी नहीं आएगा, मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया सो दैट हमें अंदाजा रहे। तो बच्चों होगा क्या, अब मैं डी को अगर यहाँ पे फिट करता हूँ तो एक छोड़ के जी यहाँ पे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डी को यहाँ पे फिट करता हूँ तो एक छोड़ के जी यहाँ पे आएगा, तो ओवरलैपिंग हो रही है। अगर डी को यहाँ पे फिट करता हूँ तो एक छोड़ के जी यहाँ पे आएगा, तो पॉसिबल है ये डी यहाँ पे, एक छोड़ के जी यहाँ पे, एक सिक्वेंस ये बनी। अब डी को मैं यहाँ पे फिट कर दूँ तो एक छोड़ के जी ओवरलैपिंग होगी, डी को यहाँ पे फिट कर दूँ एक छोड़ के जी, यहाँ पे जी आ नहीं सकता, तो उसके लिए पोजिशन ही एक बची जो कि परफेक्टली फिट हो पाया मेरा। ठीक है बच्चों, ये काम डन। अभी तक स्टेटमेंट एक पेंडिंग है जिसका हमने अभी तक यूज नहीं किया, कहीं ना कहीं होगा, बस हिंट का वेट करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड बिजनेसमैन, कोई एफ एंड बिजनेसमैन के बीच में कोई एक कैंडिडेट है, या फिर बिजनेसमैन और एफ के बीच में कोई एक कैंडिडेट है। फिट करने की ट्राई कर लेते हैं बच्चों, जहाँ पे फिट होता है वहाँ पे कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे एफ करूँ और फिर यहाँ पे बिजनेसमैन आए, तो ये तो बच्चों पॉसिबल नहीं है। मेरा यहाँ पे एफ हो, एक छोड़ के बिजनेसमैन यहाँ पे आ जाए, यानी मैं एफ को यहाँ पे फिट करूँ, एक छोड़ के बिजनेसमैन यहाँ पे आ जाए, तो मेरा काम हो सकता है। चलो जी, अब मैं कर सकता हूँ कि एफ को यहाँ पे फिट कर दूँ और एक छोड़ के बिजनेसमैन यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल सही रहेगा। बट वहाँ पे मुसीबत क्या रहेगी, ये दोनों प्लेसेस पे मुझे यहाँ पे ई फिट करना पड़ेगा, ई ना तो यहाँ पे आ सकता ना यहाँ पे आ सकता है, ये सिचुएशन गिवन है मुझे। तो अगर मैं एफ यहाँ पे, ये वाला मेरा एफ आ जाए और यहाँ पे बिजनेसमैन आ जाए, तो ये मुसीबत नहीं फिट हो पाएगी। तो दैट मीन्स कि एफ के लिए मेरे पास पोजीशन ही एक है, और मैं ई को अब यहाँ पे डाल लूंगा और बचा हुआ एक पोजीशन सी यहाँ पे आ जाएगी, राइट। चलो जी, यहाँ तक काम डन। ई इज नॉट बिजनेसमैन, ई जो है बिजनेसमैन नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड नॉट ए डॉक्टर, वो डॉक्टर भी नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे बच्चों डॉक्टर नहीं आ सकता, याद रखना है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं आ सकता है। डॉक्टर एंड लॉयर आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, डॉक्टर और लॉयर दोनों ही नेबर हैं। तो बच्चों एक चीज देखो ध्यान से, अब यहाँ पे दो प्लेस जो वैकेंट है वो दो प्लेस यही वैकेंट है, यानी डॉक्टर और लॉयर इनमें से दो पे ही एक पे आएगा। अब यहाँ पे तो डॉक्टर आ नहीं सकता, तो मैं डॉक्टर को डाल लेता हूँ यहाँ पे, और ये पोजिशन वैकेंट रह जाएगी लॉयर के लिए। ठीक है, अब एक ही पोजिशन वैकेंट रही, एक ही कैंडिडेट रहा, और उसका नाम रह गया था बैंकर, तो बच्चों वो बैंकर आपके पास रह गया, तो ये भी पोजीशन आपकी यूज हो पाई, ये भी यूज हो पाई, और एक परफेक्ट डायग्राम भी यहाँ पे आपके पास आ चुका है, जिसके बेसिस पे मैंने आंसर्स वहाँ पे देने हैं। लेट्स सी, मैं एक दो क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पे है बच्चों, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ एच, एच का प्रोफेशन बताना है। तो अगर मैं थोड़ा सा पेन यूज कर लूँ डिफरेंट कलर का हाईलाइट करने के लिए, तो बच्चों एच का जो प्रोफेशन है वो यहाँ पे किसका है, टीचर का। तो एच जो है टीचर है बच्चों, एच टीचर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो आंसर गोज टू नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट टू बैंकर, बैंकर पे खड़ा होके मैंने डॉक्टर को देखना है, याद रखना, बैंकर पे खड़ा होके, ये मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, ये मेरी क्या रहेगी राइट हैंड साइड रहेगी, ये मेरी क्या रहेगी लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इज 1 2 3 4th, फोर्थ पोजिशन पे, इधर से देखोगे 1 2 3 4th, फोर्थ पोजीशन में, किसी भी डायरेक्शन में देख लो वो फोर्थ पोजीशन पे है। तो ठीक है बच्चों, फोर्थ पोजीशन, दिस इज सेकंड, इमीडिएटली भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो आंसर गोज टू नन ऑफ दिस। चलो भी लास्ट वन बचा, हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन द आर्किटेक्ट एंड बिजनेसमैन, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, लेट्स सी मैं चेक कर लेता हूँ। आर्किटेक्ट, ये मेरा आर्किटेक्ट है बच्चों, और ये मेरा बिजनेसमैन है, इन दोनों के बीच में जो है एक तो है बैंकर। ठीक है, ये तो आपका लेफ्ट टू राइट वाला है, अगर मैं इधर से भी देखूं इस वाली डायरेक्शन में,
यहाँ पे भी तो कोई मिड में होगा, तो यहाँ पे दिस इज वन दिस इज टू दिस इज वन दिस इज टू, तो यहाँ पे कौन है बच्चों? डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर बीच में बैठा है, या तो आंसर रहेगा बैंकर या फिर आंसर रहेगा डॉक्टर, अकेला अलोन। तो बच्चों सी एंड एच नहीं, क्लर्क भी नहीं, टीचर भी नहीं, बैंकर एंड डॉक्टर, तो दोनों। अब यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन भी गिवन है डॉक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बच्चों, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे अकेला अगर डॉक्टर मिड में है तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग यहाँ पे ये यह है कि बैंकर एंड डॉक्टर दोनों ही मिड में हैं। मिड का मतलब यहाँ पे होगा किसी भी एक डायरेक्शन में, लाइक मैं बोलूँ कि यहाँ पे ए बी, फिर यहाँ पे बैंकर और यहाँ पे डॉक्टर और सी और डी, मैं बोलूँ ए और डी के मिड में कौन है, तो आप बोलोगे बैंकर एंड डॉक्टर दोनों हैं, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन थिंग। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये अकेला एक अलोन, एक साइड से अलोन कौन है, तो वो कौन है बच्चों? डॉक्टर। तो आपने आंसर यहाँ पे डॉक्टर देना। एंड का मतलब ये होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, मिड में दो बंदे आगे हैं, कोई अकेला नहीं है। तो याद रखना यहाँ पे एग्जैक्टली बोला है एक, तो एक के बारे में बात करेंगे, तो डॉक्टर आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को वे यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि सर्कल को यूज कैसे करना है, कैसे चार टाइप के आपके यहाँ पे कवरअप हो पाए, चारों टाइप का बेसिक क्या है, कितनी फास्टली आप लोग कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम बच्चों नेक्स्ट टाइप के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।